तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी वीआईपी ग्रुप में किस तरीके से कंपाउंडिंग कराता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा पब्लिक ग्रुप जो कि आपने ही ज्वाइन किया, तो कल है ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और मैंने कल देखो यहाँ पे तीन स्टेप कंपाउंड किया था, ये वॉल्यूम ट्रेड का था। इसके बाद मैंने तीन स्टेप कंपाउंड किया था ये अपनी क्विटेक्स में। इसके बाद मैंने किया था फोर स्टेप कंपाउंड क्विटेक्स में। इस तरीके से मेरी कंपाउंडिंग चलती रहती है जो कि आप लोग देखते हो, और हर सेशन मेरा लाइव स्ट्रीम पर होता है। हर एंट्री आपको पहले बता देता हूँ कि अगली ट्रेड क्या लेनी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11 बज चुका है, मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपनी स्क्रीन को शेयर कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं किस तरीके से सेशन करता हूं, तो पहली बार जुड़ रहे हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए देखिए, एंजॉय कीजिए पूरा सेशन को। आज मैं रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे डाल रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो चुका है। इस तरीके से आपको पूरा स्क्रीन मेरा दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो भी मेंबर है मेरे वीआईपी ग्रुप के, सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ लोग बाकी हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सब लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके ज्वाइन हो जाएंगे। चलो अब यहाँ पे हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इन्जॉय करो एंड लास्ट तक देखो कि मैं किस तरीके से ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो मेरी वॉइस आप लोग को जा रही है, ठीक है? मेरी तरफ से वॉइस भी क्लियर है, आप लोगों के पास वॉइस जा रही होगी, एक बार मैसेज करके बता देना। आप लोगों में से कोई एक मैसेज करके मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि वॉइस क्लियर है, जिससे कि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। चलो ठीक है, आ रही है वॉइस। ओके ठीक है, आप मैसेज मत करो, देख लिया वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है। ठीक है, आगे ट्रेड करते हैं, देखते हैं कौन सा मार्केट सही है। अभी मैं 3000 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी प्रॉफिट है। ठीक है, यूरो जीबीपी में मार्जिन से ट्रेड लगा था, आप सब एक बार बता देना। ठीक है, यूरो जीबीपी में अपनी ट्रेड प्रॉफिट है। ठीक है, विन ठीक है, सब लोग लिए थे। चलिए ठीक है, इसी मार्केट में रहना, यूरो जीबीपी में ही रहना। और कल हम ट्रेड नहीं करा पाए थे, थोड़ा सा बिजी थे इसलिए। ओके, यूरो जीबीपी में गैप डाउन किया है और यहाँ से ये कैंडल अगर रेड में क्लोजिंग दे देती हैं। यूरो जीबीपी अगेन डाउन लेना। ठीक है, यूरो जीबीपी अगली ट्रेड डाउन के लिए लेना, यूरो जीबीपी अगली ट्रेड डाउन के लिए लेना। डाउन क्या हो गया यार, और ट्रेड मेरा इसमें मिस हो गया। ठीक है, हमने डाउन का ट्रेड यहाँ पे दिया, हमारा लगा नहीं है। आप सबका लगा होगा तो कोई एक स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड कर देना। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो मैं इसमें लूँगा भी, तो अगली ट्रेड लग जाएगी मेरी। अपनी ये ट्रेड भी प्रॉफिट चल रही है। ठीक है, इसमें मेरा ट्रेड लगा नहीं है, हमने क्लिक किया बट लगा नहीं है। मेरा देखा कि स्क्रीन रुक गया था और लगा नहीं, बट डाउन का दिया ट्रेड और ये ट्रेड प्रॉफिट जा रही है। ठीक है, लगातार अपनी इसमें दो ट्रेड श्योर शॉट हो चुके हैं यूरो जीबी में। लास्ट 1 सेकंड एंड कोई एक भेज देना मुझे। ठीक है, ये ट्रेड अपनी प्रॉफिट है भाई। ठीक है, सेकंड श्योर शॉट हो गया आज अपनी, 11:12 हो रहे हैं और 4 अगस्त। ठीक है, सेकंड श्योर शॉट डन, मेरा ट्रेड लगा नहीं था इसमें। ठीक है, हाँ मेरा क्या हुआ ना, देखो स्क्रीन रुक गया था। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया था बट नेट काम नहीं किया था, उस टाइम रुक गया था। फिर मैंने रिफ्रेश किया, तब तक लगा नहीं था और कैंडल निकल गया था, तो मैं ले नहीं पाया, बट सबकी विन है। ठीक है भाई, कोई अगर स्क्रीन शॉट लिया होगा तो एक बार भेज देना मुझे। ठीक है, बोलने के बाद भी कोई स्क्रीन शॉट नहीं ले पाया यार। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, या यूरो जीबीपी में ही रुकना। ठीक है, यूरो जीबीपी में, यूरो जीबीपी यानी यहाँ से रिजेक्शन है, यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी आप कितने ले लो, यूरो जीबीपी आप ले लो ट्रेड आप। ठीक है, भाई किसी दिन कंपाउंडिंग कराओ। देखो मैं खुद करता हूँ तो आप लोग सोचते हो भाई कि मेरे को क्यों नहीं कराता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई कभी लॉस हो तो आपका बैलेंस जाओ। ठीक है, मेरा लॉस होगा तो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं आप कर पाओगे ना, कंपाउंडिंग जरूरत नहीं कि हो जाएगी। ठीक है, 3 स्टेप 4 स्टेप कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट रिस्क लेने की बात है ना। तो ये अपनी तीसरी ट्रेड चल रही है। ठीक है, 10 सेकेंड है। ओके, 6 5 4 3 2 एंड विन, थर्ड स्टेप लगातार श्योर शॉट, कंपाउंडिंग श्योर शॉट। ठीक है, यूरो जीबीपी में तीन ट्रेड दिया, तीनों का तीनों लगातार कंपाउंडिंग श्योर शॉट दिया। ठीक है, तीनों का तीनों ट्रेड विन, सब लोग देख पा रहे हो भाई, बाकी विन है ना। मैसेज चलो फटाफट, अभी 11:17 हो रहे हैं। ठीक है,
4 अगस्त की ट्रेड अपनी, और कल मैंने ट्रेड नहीं कराया था जो कि नोटिफिकेशन भी डाला था, ठीक है। यूरो जीबीपी मैसेज डालो सब लोग, ठीक है, शांत मत बैठो भाई। यार मैं हर दिन आपको 11 बजे टाइम एग्जैक्ट निकाल के आ जाता हूँ, आप लोगों को मेरे मैसेज डालने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्या बताऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी मार्केट में रहना, यूरो जीबीपी में ही रहना, ठीक है, यूरो जीबीपी में ही रहना। यहाँ से रिजेक्ट टाइमिंग ब्रदर मैं नहीं चेंज कर पाऊँगा, ठीक है, मैं बता दूंगा कि टाइमिंग क्यों चेंज नहीं कर पाऊँगा। ओके ओके, इतना स्ट्रांग गिर रहा है, बट आप कितने लेना, यूरो जीबीपी अप, ठीक है, यूरो जीबीपी अप अप। ग्यारह बजे मैं क्लास में रहता हूँ ब्रदर, मैं देखो क्या कर सकता हूँ, हर किसी के टाइम के हिसाब से मैं नहीं चल पाऊंगा ना, आप समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर लोग एक एक लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना देखो, ठीक है। तो ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, और ये लगातार अपनी 4 स्टेप बैक टू बैक कंपाउंडिंग जा रही है, ठीक है, यूरो जीबीपी में लगातार 4 ट्रेड दिया, चारों का चारों शॉर्ट शॉर्ट जा रही है, 17 सेकंड बाकी है और ये कैंडल नीचे आएगी नहीं, ठीक है। और ये हो गया अपनी युवराज टेक वीआईपी ग्रुप पीस, ठीक है, सेशन लाइव स्ट्रीम पर चल रही है भाई, 4 सेकंड, 3, 2, 1 एंड प्रॉफिट। सब लोग मैसेज डालो भाई, ठीक है, 4 स्टेप लगातार कंपाउंडिंग शॉर्ट हुआ यूरो जीबी में, 4 ट्रेड दिया, चारों का चारों इसमें विन गया 4 अगस्त का, ठीक है, मैसेज डालते चलो फटाफट, संडे का मार्केट में भी प्रॉफिट करवाया भाई, ठीक है, एक दिन भी अपनी कभी लॉस नहीं आ रही, लगातार प्रॉफिट जा रही है हर दिन। यूरो जीबीपी, ठीक है, कॉल डायरेक्शन का ट्रेंड शॉर्ट शॉर्ट फोर्थ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेड और करेंगे, यूरो जीबीपी में ही करेंगे, ठीक है, मार्केट का कंडीशन देखकर करेंगे, और हर दिन हम लोग प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं मार्केट से, ठीक है, हर दिन। ओके, तो ये यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेना, ठीक है, यूरो जीबीपी डाउन की ट्रेड, ठीक है, यूरो जीबीपी डाउन की ट्रेड डाउन। ओके, ऊपर है तो मैं एक दो और ले लेता हूँ, ठीक है, चलने देते हैं ट्रेड को आराम से। तो ये ट्रेड प्रॉफिट हो जाती है भाई, तो लगातार 5 स्टेप बैक टू बैक कंपाउंडिंग शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, यूरो जीपी में 5 ट्रेड दिया, पांचों का पांचों विन, सब लोग स्पैम कर देना भाई इस बार मैसेज करके, ठीक है, कि 5 ट्रेड विन, ठीक है, लगातार यूरो जीपी में सब लोग मैसेज करना फटाफट। ये अपनी 5वीं ट्रेड चल रही है भाई, देख रहे हो कितना डीप आइटम जा रही है, 14 सेकंड, ठीक है, और लगातार कंपाउंडिंग हो गया भाई, 5 स्टेप बैक टू बैक, 6 सेकंड है इसमें। ओके 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 ओके, 3, 2, विन, ठीक है, सब लोग स्पैम करो भाई मैसेज करके फटाफट कि 5 ट्रेड अपनी विन लगातार बैक टू बैक कंपाउंडिंग शॉर्ट शॉर्ट। लाइव स्ट्रीम पे अपनी सेशन चली भाई, सब लोग देख पा रहे हो, और अभी मात्र 11:23, मात्र 23 मिनट हो रहा है ना अपनी सेशन का, और 5 ट्रेड अपनी हो गई 4 अगस्त की बैक टू बैक कंपाउंडिंग, एक भी ट्रेड अपनी लॉस नहीं गई भाई, यूरो जीपी में 5 ट्रेड और पाँचों का पाँचों विन लगातार, ऑल ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीम पे आपको दिखाया, ठीक है, सब लोग मैसेज डालो भाई फटाफट कि 5 ट्रेड में 5 ट्रेड विन, सब लोग से मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग मैसेज डालो, अदरवाइज फिर ग्रुप से एग्जिट होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन नहीं हर दिन प्रॉफिट मिलती है, हर दिन ओटीसी मार्केट है, ठीक है, फिर भी मैंने प्रॉफिट दिया, लगातार आप लोग कंटिन्यू 20-25 दिन से प्रॉफिट में ही आ रहे हो, किसी दिन भी स्टॉप लॉस इतनी हो रही है, तो मैसेज डालो फटाफट सब लोग, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मजा आए, और लगातार 5 स्टेप कंपाउंडिंग भाई बच्चों का खेल नहीं होता है, ठीक है, हर दिन यहाँ पे आप लोग श्योर शॉट ले जा रहे हो, ठीक है, यूरो जीपी का हम लोग बैंड बना दिया आज। बैक टू बैक चलो, ठीक है, सब लोग फटाफट मैसेज डालो भाई, इतना स्पैम हो जाना चाहिए आज, जो लोग मैसेज नहीं डाल रहे हो ना इस लास्ट टाइम का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो भाई निकाल देने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ, सब लोग मैसेज डालो फटाफट, ठीक है, कि 5 ट्रेड श्योर शॉट हो गई लगातार कंपाउंडिंग, अब आज नहीं होगा भाई, आज नहीं होगा, आज आज का हो गया टारगेट डाउन, ठीक है, आज का ट्रेड अपनी हो गई,
सब लोग बने हो भाई, आप सब लोग देख पा रहे हो एकदम। चलो भाई मैं माइक ऑन करता हूँ, थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं, बताते चलो भाई। मैंने माइक ऑन किया है जिनका जिनका, आप बोल सकते हो ठीक है। हेलो। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई, बैक टू बैक मीन हो गया। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ भाई बोलिए। देखो आप ज्यादा रिस्क लेना चाहो तो मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ ना, आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। आप अपना समझो कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मुझे कितना लॉस लेना चाहिए ठीक है। मैं आपको देखो बता देता हूँ कितना रिस्क लेना चाहिए, इतना प्रॉफिट लेना चाहिए, उसके हिसाब से आपके पास अगर बैलेंस जाता है तो बैलेंस अगर आप ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा ज्यादा ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि मेरे पास, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मेरे पास $500 है तो मतलब मैं कितना स्टॉप लॉस और स्टॉक मतलब प्रॉफिट करूं। $500 है आपके पास तो आपका, आप $500 जैसे कि मेरे पास है। हाँ ठीक है, तो मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास $500 है, मैं डालने की सोच रहा हूँ आपके लिंक से जो अकाउंट मैंने बनाया उसमें, तो मतलब उसमें मतलब कितना प्रॉफिट और कितना लॉस ये सहन कर सकूँगी, जो कि आपके ट्रेड पे कुछ 10% का आप स्टॉप लॉस 10% का प्रॉफिट लेकर चल सकते हो ठीक है। अच्छा, 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस। हाँ जैसे कि $50 हुआ, 10% 500 का $50। अब आप ये मत समझना कि भाई $50 में लॉस हो गया तो मेरा ₹4,000 चला गया, 4,500 चला गया, क्योंकि आपने प्रॉफिट भी उसी टाइप से रखा है ना, तो उसके हिसाब से आप उतना का रख सकते हो इस तरीके से। हाँ 10% और 10% ऐसे करें तो मतलब अच्छा होता है कि। हाँ हाँ देखो 10% 20% 30% जितना चाहो आप उतना ले सकते हो, बहुत तो 100% का भी रिस्क ले लेते हैं। तो देखो जितना आप रिस्क लोगे उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा ठीक है। बट आपके पास अगर बैकअप अमाउंट आपके पास नहीं है ना, जो भी आपने डाला है तो उस पर 10% ही रखो, 10% 5% भी, 5% में भी आप ले सकते हो ठीक है। $25 होगा आपका 500 का, तो इस तरीके से आप ले सकते हो भाई। ओके थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। क्या ट्रेड मतलब कितने डॉलर से चालू करना चाहिए? आप देखो मैं आपको देखो, हाँ मेरा लॉस रहता है कि भाई अगर तीन ट्रेड बैक टू बैक लॉस गया हम बंद कर देते हैं ठीक है। तो आप मार्टिंगल के साथ में भैया, तो मार्टिंगल के साथ में ही तो मैं कह रहा हूँ तीन ट्रेड, तो तीन ट्रेड का 10% में नहीं होगा, 50 में डिवाइड करो कितने कितने को लेना है कि तीन बार हम जा सकते हैं। अच्छा मतलब तीन ट्रेड में से अगर एक भी ट्रेड मतलब प्रॉफिट होती है तो अपने को प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि ये देखो तीन ट्रेड हर दिन लॉस। हाँ भाई बोलिए। वो क्या होता है, आप जो लाइव सिग्नल देते हो ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है तो। स्लो नहीं होता ब्रदर, देखो नेटवर्क का डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ठीक है, समझिएगा बात को, स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूँ तो जो मेरा चार्ट चल रहा होता है सेम चार्ट आपका भी चला होता है, बट यहाँ से जो आप स्क्रीन मेरा देखते हो ना उसमें 2-4 सेकंड 10 सेकंड की डिले होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास चार्ट पहले चले मेरा चार्ट लेट है, वैसा नहीं होता है, एकदम सेम टू सेम चल रहा होता है। बस आप स्क्रीन जो मेरा देख रहे हो ना वो आपके पास थोड़ा सा 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड की डिले होती है, और वो हर लाइव स्ट्रीम में होती ही होती है। तो आप इतना समझो कि जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, इवन मैं आपको 30 सेकंड पहले ही बताता हूँ कि कल क्या बने वाली है ठीक है। तो इसमें तो ट्रेड की आपकी मतलब एंट्री तो गलत होती नहीं है, जितना भी आपने ट्रेड किया क्या ऐसा कहीं हुआ कि आपकी एंट्री गलत हुई हो? तो फिर आप जब सिग्नल देते हो तभी मुझे नहीं लेना, नेक्स्ट कैंडल पे मुझे लेना। हाँ देखो क्या, हाँ जैसे क्या होता है, जैसे मान लो अभी फिलहाल कैंडल बन रही है, मान लो इसमें अगर 10 सेकंड होती तो मैं बोलता हूँ कि कैंडल डाउन की बनने वाली ठीक है, ट्रेड मत लेना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जैसे मान लो यहाँ पे बोला कि डाउन की बनेगी ठीक है, तो ये ट्रेड अगर चल रही है और अगर अभी चल रही है उस पर मैंने आपको बोला कि डाउन की अगली ट्रेड लेनी है, तो आपको इस ट्रेड के खत्म होने के बाद डिफॉल्ट टाइम के साथ आपको ट्रेड लगा देनी है ठीक है। जैसे कि देखो अभी एक कैंडल बन रही है ठीक है अभी, और मैं आपको सिग्नल देता हूँ तो क्या होता है कि मुझे लगता है कि इसके बाद डाउन या फिर अप जाने वाली, तो मैं बोलता हूँ कि अगली ट्रेड डाउन की बनेगी आप ट्रेड ले लेना, इस तरीके से मैं बोलता हूँ ठीक है। तो ये चल रही है इसमें आपको नहीं लगाना है, अगली ट्रेड जब स्टार्ट होनी है तो उस पर आपको क्लिक करना है, बस ऐसे होता है। मैं आपको पहले दे देता हूँ कि भाई एंट्री गलत ना हो सके किसी का ठीक है। कल आप थैंक यू थैंक्स। आओ और कल मैं कहीं देखो, कल मैं थोड़ा सा गया था ठीक है, मैं थोड़ा सा गया था बाहर। अच्छा अच्छा नहीं तो देखिए कल मैं ट्रेड, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप खुद से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, वेट कीजिए एक दिन अगर हम लोग नहीं भी कर। तो कल देखिए मैं ट्रेड क्यों नहीं कर पाया, कल कल क्या हुआ ना कि मैं थोड़ा सा बाहर भी था ठीक है, तो मैं ट्रेड कराता आपको ठीक है, मैं ट्रेड कराता उसमें हुआ क्या, जैसे कि कल मैं 11 बजे का सेशन हमारा टाइमिंग है, उस टाइम हम थोड़ा सा बिजी थे तो मैंने मैसेज डाल दिया कि थोड़ा बाद में करेंगे, बट हुआ क्या कि मेरे तरफ मतलब 2 दिन पहले से ही लाइट नहीं रह रही है, बहुत मतलब हवा चल रहा था तेज ठीक है, तो इधर 2 दिन से लाइट नहीं। हाँ तो परसों जो मैंने ट्रेड कराया था वो मेरा इन्वर्टर का ही बैटरी पे चल रहा था, तो 2 दिन में तो वो भी खत्म हो गया इन्वर्टर का भी बैटरी, वो भी बैठ गया बैटरी। उसके बाद कल एक जनरेटर ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि 3 दिन, वो तो कोई बात नहीं वो तो हो जाएगा, बट उस वैसा कुछ नहीं है। अभी हुआ क्या कि 2 दिन 3 दिन से लगातार लाइट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो लाइट भी नहीं आ रहा, तो उसके बाद हम आपको तो स्क्रीन शेयर कराते हैं ना, ऐसे मोबाइल से मैं चाहता तो करा देता कोई सुनी होता, बट मैं सोचा कि चलो हाँ देखते हैं, रात तक देखिए नहीं आया तो कल कुछ हम नहीं कर पाए, बट आज मेरा सुबह से। हाँ मैंने तो किया था कल, मैंने तो अपना मोबाइल से ही किया था, मुझे प्रॉफिट भी हुआ ठीक है, मैंने तो किया था कल। कल तो मैं ओलम ट्रेड में कभी नहीं करता हूँ, कल मैंने ओलम ट्रेड में ऐसे ही मतलब बहुत दिन पहले से मेरा अकाउंट था तो उसमें मैं 3,000 डाला था, उसको कंपाउंड करके मैंने कल 20,000 बनाया, 20,000 के बाद 1,000 मैंने उसको 23-24,000 बनाकर विड्रॉल कर। अरे तो कंपाउंडिंग तो अभी भी, कंपाउंडिंग देखिए कंपाउंडिंग तो अभी भी आप करते तो 1 लगातार बन गया था, तो उसमें भी होता, बट देखिए होता क्या, वही ना कह रहा हूँ कि देखिए कंपाउंडिंग में डर लगता है ठीक है कि कब क्या घूम जाए, क्योंकि कहीं भी एक कैंडल घूम गई एरर भी दे गई तो फिर से जीरो हो जाएगा सारा मेहनत बेकार, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हर किसी का मतलब ऐसा बैलेंस के ऊपर रिस्क लिया जाए ठीक है।
ओके भाई बोलो भाई, अभी तो माइक मैंने अलाउ किया ना, बोलो बोले मैसेज करके कि आपसे बात करनी है, बोलो भाई। हेलो। हाँ भाई। हाँ बोलिए भाई। आपका मतलब स्टॉप लॉस कितना दिन हो गया हिट नहीं हुआ तो? बहुत दिन हो गया भाई, मतलब 15-20 दिन से हम लोग को भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मैंने लीक का तो नहीं रहा। हाँ 20-22 दिन हम लोग का हो गया। हाँ देखो इतना, देखो इतना आप समझ जा, इतना आप समझना भाई कि मैं कोई भी चीज़ छिपाता नहीं हूँ, ठीक है। जो भी होता है मैं लाइव में आकर सारा कुछ शेयर करता हूँ, स्क्रीन बात करता हूँ सब कुछ, ठीक है। वही ना कह रहा हूँ कि देखिए मेरा स्टॉप लॉस भी आप स्टॉप लॉस जैसा नहीं मान सकते, क्योंकि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसके अगले दिन आपको कवर करके आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ बस दिक्कत यहाँ पे आता है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं भाई कि मतलब किसी दिन उनका 3 ट्रेड लॉस गया ना तो खत्म कर जाते हैं उसी में अपना कैपिटल को, मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है वो लोग। हाँ हाँ वही नहीं होना चाहिए। बाकी वैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि आप मेरे रूल को फॉलो करो, मेरे से पता करो कि मैं कैसे कैसे ट्रेड करता हूँ, उस हिसाब से चलो। आप मंथली हर बार प्रॉफिट में रहोगे जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, अगर डिसिप्लिन से करो तो, सिर्फ मुझे फॉलो करके, ठीक है। क्योंकि मैं आपको 5 ट्रेड हर दिन करता हूँ, 5 ट्रेड कम नहीं होते एक दिन का, ठीक है। तो बोलिए। हाँ देखिए आपका ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने पहले उसके पहले यूपीएस अपने डिपॉजिट किया होगा, तो उसमें आपने थोड़ा सा बड़ा अमाउंट डिपॉजिट किया होगा यूपीएस से, ठीक है। और जो आपने बाइनेंस से किया ना, तो बाइनेंस से आपने थोड़ा सा छोटा अमाउंट डिपॉजिट किया होगा, इसलिए आपका वो बाइनेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जितना आपने क्विटक्स सॉरी जितना आपने यूपीएस से डिपॉजिट किया ना बड़ा अमाउंट, उससे बड़ा आपको अब बाइनेंस से डिपॉजिट करना होगा, फिर आपका बाइनेंस का ऑप्शन आ जाएगा। विड्रॉल, हाँ विड्रॉल कर सकते हैं पैसे नेट बैंकिंग से, कोई सुनिए। ओके ओके बोलिए भाई। यूरोज भाई टाइमिंग थोड़ा चेंज करो ना भैया कुछ। भाई टाइमिंग मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं टाइमिंग क्यों रखा हूँ, क्योंकि देखिए आप आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इतने लोग के साथ तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा ना, सबका तो प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे, सब लोग तो ट्रेड कर ही पा रहे हैं। मैं थोड़ा क्लास में रहता हूँ इसलिए। तो आपके हिसाब से अगर हम ट्रेड कराने बैठे तो फिर तो आपका 5 बजे 4 बजे के बाद फ्री होंगे ना, क्योंकि आप क्लास करने जाते होंगे। अरे तो मेरा क्लास तो बस आधा घंटे तक ही रहता है। अच्छा ज़्यादा डिले नहीं बोल रहा था कि मतलब 1 घंटा थोड़ा डिले करो तो 1-1.5 घंटा नहीं हो पाएगी ब्रदर, ठीक है। मैं मार्केट को सबको बहुत अच्छे से देखकर ट्रेड करता हूँ ना, मैं एक टाइम रखा हूँ तो कुछ सोच समझ के रखा हूँ, ठीक है। युवराज भाई बोल रहा हूँ, शाम को भी ट्रेड लो ना। आज देखो आज, आज का मार्केट है, मैं आपको बता रहा हूँ, संडे, ठीक है। तो आज इतना हो गया तो इतना पे आप रहने दो, आप ज़्यादा करने जाओगे लॉस कर जाओगे, ठीक है। आज मतलब आप डेली मतलब 2 सेशन लेते हो कभी? नहीं मैं 2 अभी फिलहाल कभी नहीं ले रहा हूँ सेशन। देखो मैंने 2 सेशन इसलिए रखा है, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि 11 बजे वाले सेशन में मार्केट सही नहीं चल रहा है, तो रियल मार्केट भी हमको मिल जाता है 5 बजे वाले अगर करते हैं तो, इसलिए मैंने रखा है। हाँ क्या होता है? 5 बजे वो परसेंट गिर जाता है ना करेंसी का। हाँ रियल मार्केट का परसेंटेज गिर जाता है, बट हर टाइम 5 बजे रहता है, ऐसा नहीं है गिर जाता है, कभी 80 रहता है कभी 90 भी जाता है 6 बजे तक 5 बजे तक। बट उसमें अभी कहाँ मैं ट्रेड कर, ऐसा नहीं है कि रियल मार्केट उठी समय तो मैं ट्रेड करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी मैं फिलहाल एक ही टाइम पे आपको सेशन कर रहा हूँ ना। स्ट्रेटजी तो मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, वीडियो देखो जाकर यूट्यूब पे। फिलहाल न्यू स्ट्रेटजी का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो फिलहाल में काम कर रही होगी अच्छे से देख के, टेंशन ना लो भाई। मतलब ओटीसी में भी काम करना चाहिए और मतलब रियल मार्केट में भी काम करना चाहिए कुछ ऐसा? हम्म, रेजिस्टेंस लेवल ये काम करता है क्या? मैंने मतलब आज तक किया मतलब सेल्फ पे, हम्म, तो मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे मैं किया, हम्म, मतलब कभी कभी प्रॉफिट होता था, मतलब ज्यादा टाइम प्रॉफिट होता था, कम टाइम लॉस होता था, लेकिन कम टाइम में लॉस में ही मैं डर जाता था। हम्म, आप अपनी साइकोलॉजी सही रखो, ठीक है। तो मैं अभी तो मैं सेल्फ नहीं करूंगा, अभी तो फॉलो करूंगा, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो देखो, आज कब ज्वाइन किया आप मुझे? मैं अभी मतलब 3 दिन हो गए, कल तो मैं ट्रेड कर नहीं पाया, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। कल तो मैं ट्रेड कराया ही नहीं, कल तो अपना सेशन बंद ही था, क्योंकि मैंने बताया परसों परसों मैं आपको मैसेज किया था कि मेरा नेटवर्क इशू है तो कुछ बताओ प्रॉब्लम सॉल्व करके दो करके। अच्छा परसों का भी सेशन आपने नहीं लिया था? नहीं अपन जब भी मतलब इसके पहले जो भी सेशन लिया ना, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो भी सेशन लिया उस टाइम मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, ओपन ही नहीं हो रहा था। मैंने आपको फोटो वगैरह भेजा था कि मतलब ऐसा ऐसा एरर आ रहा है तो कुछ बताओ करके, तो आपने बताया था कि नेटवर्क इशू है तो कुछ दिन में हो जाएगा। अच्छा 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 बताया था। हाँ नेटवर्क इशू से कभी, नेटवर्क इशू से कभी क्विटक्स ओपन नहीं होता, ठीक है, या फिर कभी चैट ही नहीं दिखता है, ऐसा भी हो जाता है। हाँ वो ओपन ही नहीं हो रहा था, हाँ कि मतलब कुछ एरर लिखा, हाँ 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 समझ गया समझ गया, वो होता है, ठीक है। 2-3 दिन बाद ऐसे ही हो रहा है क्यों? आपका नेटवर्क सही नहीं है भाई, मेरा तो ऐसा होता नहीं है, हर 2-3 दिन पे कैसे? महाराष्ट्र में भंडारा जिले में रहता हूँ भैया। जहाँ भी रहते हो भाई आपका देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा तो कुछ नहीं होता है, उसका तो कुछ रीजन मुझे पता नहीं कैसा क्यों हो रहा है, फिलहाल मेरा तो नहीं होता, नहीं और किसी का हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का सेशन अपनी क्लोज किया जाए, ठीक है। बाकी सब लोग प्रॉफिट में हो ना भाई? एक बार सब लोग बोल दो, ठीक है, सबको मैंने माइक अलाउ किया भाई, ठीक है, सब लोग बोल दो। आज ब्रह्मा आ गया, प्रवीण हो गया। रियल मार्केट में ओटीसी में कंपाउंडिंग करें? $10 ही करो। अच्छा अच्छा एक बात मैं पूछ रहा हूँ, $10 में आ लो, ठीक है, मैं कंपाउंडिंग कराने के लिए रेडी हुआ, बाई चांस लॉस हो गया तो आप मुझे क्या बोलोगे कि लॉस करा दिया? मतलब कंपाउंड करना है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, देखता हूँ मैं आप लोग क्या नहीं।
अरे आपके तरफ से माइक म्यूट होगा, ठीक है, आपको जैसे अलाउ करना होता है फिर। हाँ, मेरे यहाँ पे माइक ऑफ था, अभी हवा एनी टाइम भी बैठा थे। ओके, कभी तुम लॉस में तो डील करवाते हो क्या? बोल रही हूँ कभी लॉस में तो तुम डील करवाते हो नहीं, हमें स्क्रीन पे ही डील करवाती हो। ये पड़ी ओके मैं देखो, ठीक ओके देखो, मैं कभी भी किसी को मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉस हो, ठीक है। वो लोग लॉस कर जाते हैं अपनी गलती से, वो लोग समझते नहीं भाई कि ट्रेडिंग है। कभी बाई चांस हर दिन देखो, इतना हम लोग कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं ना, अगर एक दिन बाई चांस आगे चलकर तीन स्टेप लॉस हुआ, अगर मैं बोल दूँ बंद कर दिया जाए, तो लोग की संतुष्टि नहीं होती। वो लोग मैसेज करते भाई रिकवर करा दो, ये करा दो, ये करा दो, ठीक है, वहीं खराब लगने लगता है कि मेरे साइकोलॉजी के साथ भी लोग मतलब लगते हैं बिगाड़ने के चक्कर में, और करा दो और करा दो, वो गलत होती है, ठीक है। अगर हर दिन प्रॉफिट बुक करो, मान लो अगर कंटिन्यू आप डेली का डेली पांच पांच ट्रेड करके प्रॉफिट करो, 10 दिन 15 दिन आपने किया और उसमें से एक दिन आपका तीन ट्रेड लॉस चला गया, तो क्या दिक्कत है? 50 ट्रेड में से तीन ट्रेड लॉस ही चला गया तो अब यहाँ पे हो जाती है गड़बड़ की, वो लोग इधर भी प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद भी लॉस कर जाते हैं, फिर वो वहीं बैलेंस पे आते हैं, फिर उसे नीचे आते हैं, उनकी बैलेंस ग्रोथ होती नहीं है, क्योंकि वो लोग एक को किसी को फॉलो कर ही नहीं रहे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई कि अगर आप फॉलो करो तो एक अच्छे बंदे को फॉलो करो, जो आपको अच्छे से ट्रेड करा पाता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, साइकोलॉजी उसका सही हो, सही से ट्रेड करा पा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट भी करा रहा हो, तो ट्रेड करो। आप लोग देखते हो कि ट्रेड तो बहुत से लोग करा रहे हैं लेकिन लोग मैनेजमेंट नहीं करा पाते हैं, किसी दिन पांच का दिए, किसी दिन 10 भी करा देंगे लेकिन लॉस कर देंगे तो 0 भी करा देंगे, बट मेरे साथ वैसा नहीं होता है। तीन ट्रेड हुआ भाई बंद कर दो, क्योंकि हमको पता है तीन ट्रेड के बाद अगर आपका जो लॉस होता है ना वो बड़ा लॉस होता है, और उसके बाद अकाउंट खाली होने की चांस मतलब 100% हो जाती है, एक दो बार लॉस गया तो खाली हो जाएंगे, तो वैसे हमको नहीं करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लोज करते हैं और फिर मिलेंगे कल। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आप NFT, MFT, PPA, PPA वगैरह क्यों नहीं लेते? नहीं करते भाई, मुझे उतना अच्छा से न्यूज़ समझ में नहीं आती, ठीक है, मैं न्यूज़ में करता हूँ, लॉस कर जाता हूँ। क्योंकि आपकी बार मतलब 2 तारीख को मैंने NFT लिया था, $100 की, ठीक है, $100 में इन्वेस्ट किया था EURUSD पे, ठीक है, मैंने लिया था। मैंने यूट्यूब पे मतलब ऐसे ही देखा था, तो एक ने बताया इकोनॉमिक कैलेंडर investing.com पे मतलब NFT देती है करके, तो वहाँ पे मुझे सिग्नल मिला था, तो मैंने आपका डायरेक्शन लिया था, तो $100 का प्रॉफिट हुआ था मुझे, ठीक है, बढ़िया ब्रदर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं तो अभी बोला भाई कि मैं न्यूज़ उतना अच्छे से देख नहीं पाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़ पे ट्रेड करना किसके लिए ज़्यादा मतलब बेटर होता है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा होता है ना, जहाँ पे आपकी पिप से आपकी प्रॉफिट बनती है, मतलब जितना कैंडल ऊपर जाएगा उतना आपकी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, आपकी डायरेक्शन में। इस बाइनरी ट्रेड में वैसा नहीं होता, आप एक चीज़ ध्यान से सुना कि इसमें चाहे आपकी एक मतलब पिप से प्रॉफिट हो तो उतना ही मिलेगा, चाहे मतलब बहुत बड़ी कैंडल बन जाए फिर भी रिटर्न आपको जितना दिखा रहा है उतना ही मिलेगा, ठीक है। बट फॉरेक्स ट्रेड में क्या होता है कि जितना आपकी मतलब ऊपर जाएगी, मतलब आपने आपका लिया है मतलब कॉल डायरेक्शन का ट्रेड बनाया है पोजीशन, तो जितना ऊपर जाएगी, एक सेकंड भाई नेटवर्क का फिर से इशू हो गया यार, ये नेटवर्क ऑटोमेटिक पता ना कैसे कट जाता है, ठीक है यार ये नेटवर्क कहाँ भाग गया, एक सेकंड एक सेकंड, चलो आवाज़ आ रही है क्या? हाँ अरे चलो मैंने, हाँ मेरे मेरे, ठीक है, चलिए सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है, हाँ ओके ओके, थैंक यू।